हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन किट्स। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो देखिए, ये जो द पोएट्री ऑफ अर्थ है, ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सनेट है, और ये जो है ये क्लास 12 का लास्ट पोएम है। और मैंने जो और जो तीन पोएम है, सबसे पहला पोएम है, पहला पोएम है ऑन किलिंग ए ट्री, नेक्स्ट है एज दिप इन द वैली, और थर्ड वन है सनी रीडी सेल आई कम्पेयर यू टू ए समर डे। इन तीनों पोएम का मैंने एनालाइज कर दिया है, लाइन बाय लाइन एनालाइज कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग लास्ट पोएम का एनालिसिस करेंगे, द पोएट्री ऑफ अर्थ बाय जॉन किट्स। एट फर्स्ट जॉन किट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जॉन किट्स के बारे में बताऊँगा जो यहाँ पर लिखा गया है बुक्स में, लेकिन इसके बारे में जो है और मैं डीपली बताऊँगा लास्ट में बताऊँगा, इसलिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इसलिए पहले यहाँ पर जो लिखा है इसके बारे में, जॉन किट्स के बारे में, उसके बारे में बता देता हूँ, फिर लास्ट में एनालाइज करने के बाद फिर बताऊँगा जॉन किट्स के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट जॉन किट्स। जॉन किट्स 1795-1821। तो जॉन किट्स की जो है पैदाइश हुई थी कब, 1795 ईस्वी में, और मौत हुई थी 1821 ईस्वी में। वॉज ए नोटेड पोएट ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। तो वो जो है नोटेड मतलब इसको नोट किया गया, मतलब इसको लिया गया है किसमें, इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, जो मूवमेंट हुआ था इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट, तो उसका जो है बहुत ही चुने हुए ये जॉन किट्स एक पोइट है। ही बिलोंग टू द सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स हु केम आफ्टर कैलरीज एंड वर्ड्सवर्थ। तो ये जो है ये रोमांटिक सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। तो रोमांटिक पोएट मतलब जो है जो लव पोएम लिखता है उसी को सिर्फ रोमांटिक पोएट नहीं कहते हैं, बल्कि जो नेचुरल जो नेचर पर जो पोएम लिखते हैं उसको भी हम लोग रोमांटिक पोएट्स भी कहते हैं। तो ये जो है ये क्या है, वो बिलोंग करता है, मतलब ताल्लुक रखता है सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट से, और वो किसके बाद आता है, कैलरीज और वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का नाम सुने हम लोग, जो नेचुरल पोएट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये जो इसके बाद का नंबर आता है जॉन किट्स। जॉन किट्स जो है बहुत ही बचपन में ही से वो जो है पोएट्री का शौक था उसको। ही इज नोन फॉर हिज विविड इमेजरी विच आर नोटेड फॉर दियर सेंसेस अपील। तो उसको जो है बहुत ही अच्छे फिगर है उसमें, पोएट्री में उसको याद किया जाता है बहुत ही अच्छे नाम, उसका नाम जो है बहुत ही फेमस है पोएट्री में। सम ऑफ हिज फेमस वर्क आर ओड टू नाइटिंगेल, हैपरिन एंड इजाबेला। तो ये इसका जो है फेमस पोएम है। तो ये जो है पोएट्स के बारे में हो गया, तो मैं इसको इसके बारे में डीपली बताऊंगा लास्ट में। तो उसके बाद चलते हैं अब इसके बारे में, इस पोएट्री ऑफ अर्थ के बारे में। तो ये पोएट्री ऑफ अर्थ, ये पोएट्री ऑफ अर्थ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है वो डिस्कस कर लेते हैं। द आर्गुमेंट पुट फॉरवर्ड बाय किट्स इन दिस पॉइंट इज दैट द नेचुरल म्यूजिक ऑफ द अर्थ नेवर सीजेस टू प्ले थ्रू द साइकिल ऑफ सीजंस। कहता है इस बहस के, आर्गुमेंट मतलब बहस। तो ये जॉन किट्स इसमें बहस किया इस पॉइंट में, मतलब ये भी एक सनेट है। तो इस पोएम में डिस्कस किया है कि जो नेचुरल म्यूजिक है, अब नेचुरल म्यूजिक क्या है, नेचुरल म्यूजिक मतलब अब जो नेचुरल जैसे कि बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, तो इनका साउंड क्या होता है, इन्हीं को क्या कहते हैं, नेचुरल साउंड या फिर म्यूजिक ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये जो है पूरे साल थ्रू द साइकिल ऑफ सीजन, मैंने अलग अलग जो सीजन है तो उन सीजन में जो है ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, किसी भी सीजन में वो स्टॉप नहीं होता है। द पोएम इज ए सनेट, और ये पोएम क्या है, एक सनेट है। इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रासहॉपर इज एम्बॉडाइड, विच द पोएम इज ए सनेट इन विच द सॉन्ग ऑफ द ग्रासहॉपर
is embodied in the octave and that of the cricket is portrayed in the system. तो यहाँ पर दो इंसेट के बारे में डिस्कस किया है कि जो म्यूजिक ऑफ अर्थ को कंटिन्यू करता है. तो पहला जो ग्रासोफर है, ग्रासोफर को उर्दू में कहते हैं टिड्डी, ठीक है. तो ये जो टिड्डी के बारे में किस यहाँ पर ऑक्टिव अनसेस्ट इसके बारे में भी बताऊंगा मैं. तो ऑक्टिव मतलब होता है 8 लाइंस. तो सैनेट हैज़ 14 लाइंस. सैनेट का कितना लाइन होता है? 14 लाइन होता है. तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है. तो एक होता है ऑक्टिव एंड दूसरा है सेस्टेट. ऑक्टिव मीन्स 8 लाइन और सेस्टेट मीन्स 6 लाइन. 6 + 8 = 14 लाइन्स. तो देखिए यहाँ पर ऑक्टिव एंड सेस्टेट. तो उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए द पोएट्री ऑफ अर्थ. पोएट्री मतलब शायरी, ऑफ अर्थ जमीन की शायरी, हमारी दुनिया की शायरी. तो शायरी मतलब होता है हमारी जमीन में तो कोई शायरी नहीं है. तो यहाँ पर तो जैसे चिड़ियों की आवाज़ है, ग्रासोफर की आवाज़ है, उसके बाद और भी अलग अलग जानवरों की आवाज़ है, नेचर की आवाज़ है, इन सबको क्या है यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है? पोएट्री कह रहा है. तो इसी को हम लोग पोएट्री ऑफ अर्थ कहते हैं. तो इसी को क्या कहते हैं? पोएट्री ऑफ अर्थ. तो जैसे बर्ड्स के वॉइस को पोएट्री ऑफ अर्थ कहते हैं. तो अलग अलग, ठीक है. तो उसके बाद अब पोएट्री ऑफ अर्थ तो समझ गए. तो अब यहाँ पर एक सनेट है. तो सनेट दो तरह का होता है. एक होता है इंग्लिश सनेट. तो इंग्लिश सनेट उसका भी 14 लेंथ. और एक होता है क्या है, पेट्राचन सनेट. तो उसका भी 14 लाइन्स होता है. लेकिन जो इंग्लिश सनेट है उसका दूसरा नाम है क्या नाम है, शेक्सपियरियन सनेट. और जो क्या है, और एक पेट्राचन सनेट है. तो इस ये जो है इसको दो इसको क्या कहते हैं. तो ये जो पेट्राचन सनेट है, तो इसको पहले शेक्सपियरियन सनेट. तो शेक्सपियरियन सनेट जो होता है उसमें कितना, उसमें तीन चार हिस्सों में बांटा जाता है. वो थ्री क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट्स मतलब चार लाइन करके तीन क्वाड्रेंट्स होता है. तो 12 और लास्ट में एक कपलेट होता है. उसके बाद जो पेट्राचन सनेट है, इसको पेट्राचन सनेट को दो हिस्सों में बांटा गया है. एक होता है ऑक्टेव एंड दूसरा होता है सेस्टेट. ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन और सेस्टेट मीन्स कितना, 6 लाइन. तो 14 लाइन होता है. तो समझ गए. तो अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए. तो और अब जानेंगे इसका रिदिम पैटर्न, राइम पैटर्न, राइमिंग स्कीम क्या है. इसका राइमिंग स्कीम क्या है और रिदिम पैटर्न क्या है, तो वो देख लेते हैं. तो मैं देखिए मैंने यहाँ पर बुक्स में लिख दिया है कि राइम पैटर्न क्या है. तो देख लीजिए. चलिए तो यहाँ पर देखिए पहला जो है, हम पहले ऑक्टिव के बारे में डिस्कस कर लेते. देखिए ऑक्टिव ये चार लाइन 8 लाइन्स हो गया. तो ऑक्टिव का राइमिंग स्कीम क्या है देख लीजिए. डेट, तो डेट जो है किसके साथ मिल रहा है, लास्ट 4th लाइन में मिल रहा है. तो मिड है, तो ये क्या होगा, इसका नाम रख देते ए ए. और ये सन रन, ये दोनों मिल रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं बी बी. तो ए बी बी ए बी ए बी बी ए. और दूसरा भी वही है. देखिए ये इसका लीड, देखिए हम उसका जो क्या नाम रखते थे ए, तो ये भी ए होगा. डन फन ये मिल रहा है, तो ये दोनों जो है एक ही है, ए बी बी ए, ए बी बी ए, ए बी बी ए. तो ठीक है, तो ये हो गया राइम स्कीम इस ऑक्टेव का. अब चलते हैं सेस्टेट का क्या राइमिंग स्कीम है. तो चलिए देखते रहिए. तो देखिए सेस्टेट का वीड, तो ये डेट की तरह मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ए नेवर नहीं मिला है ऊपर के साथ, तो इसका नाम रखते थे सी. और फ्रोस ये भी नहीं मिला ऊपर वाले के साथ, तो इसका नाम रखते थे डी. नेवर सी और फ्रोस डी और श्रिंस ये भी नहीं मिला है, तो ई सी डी ई. और ये भी देखिए मिल रहा है, नेवर का सी रखते थे तो यहाँ पर एवर है, ये भी मिल रहा है, तो सी. और लॉस्ट यहाँ पर है फ्रॉस, तो इसका नाम रखते हैं डी. हिल्स यहाँ है श्रिंस, तो देखिए ई रखे तो सी डी ई. देखिए ये बहुत आसान है. पहला 4th लाइन का है ए बी बी ए, ए बी बी ए दूसरा का. और जो लास्ट सेस्टेट है 3 लाइन करके, तो एक है सी डी ई सी डी. तो ठीक है, समझ गए ना. तो अब चलते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस में.
तो लाइन बाय लाइन एनालिसिस करने से पहले एक बार रिसाइटेशन कर लेते हैं। देखिए, द बॉडी ऑफ अर्थ इज नेवर डेड व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फिल्ड विद द हॉट सन एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट दैट इज द ग्रासोफर ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन with his delights for when tried out with fun he is at ease beneath some pleasant feet to isko hum log koi pleasant padte hai to ye hai pleasant some pleasant feet the body of earth is ceasing never on a long winter evening when the frost has wrought a silence from the stove their streets. The cricket song in warmth increasing ever and seem to one androgynous have lost. The grasshoppers among some grassy hills. तो अब चलते हैं लाइन वाले एनालिसिस में। सबसे पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑक्टिव एट लाइन्स को। The poetry of earth is never dead. तो poetry of earth तो समझ के क्या बताया मैंने कि birds के voice, insect के voice, उसके बाद अलग अलग animals के voice, उसके बाद natural environment में होने वाले sound, उन सब को एक साथ कहेंगे poetry of earth यहाँ पर। ठीक है, तो कहता है poetry of earth is never, मैंने हमारी music of earth जो है, जमीन की गीत, हमारी दुनिया की गीत जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी मुर्दा नहीं होगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, हमेशा कंटिन्यू रहेगा। When all the birds are faint with the hot sun, कहता है जब birds थक जाते हैं बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह, हॉट सन मतलब गर्मी की वजह से जब थक जाता है, वो टाइड हो जाता है, तो क्या होता है एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज। अब क्या होता है वो कि वो कूलिंग ट्रीज मतलब जब उस समर सीजन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा गर्मी लगने से हम लोग पेड़ के नीचे चले जाते हैं, वहाँ पर ठंडा फीलिंग्स होता है, तो इसलिए बर्ड्स भी क्या करता है कूलिंग ट्रीज मैंने ट्रीज के शेडो में चले जाते हैं ताकि उसको आराम मिले। तो अब क्या समझेंगे हम कि अब यहाँ पर इसका मतलब ये जो म्यूजिक पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, ए वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त भी म्यूजिक ऑफ आर्ट खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक उस वक्त जब बर्ड सब थक जाते हैं उसके बाद साउंड बंद कर देते हैं तो एक उस वक्त वॉइस सुनाई देता है, मतलब एक आवाज़ सुनाई देती है कहाँ से, फ्रॉम हेज टू हेज मैंने हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीट। न्यू मॉर्न मीट मतलब ऐसा खेत जहाँ पर कुछ ही दिनों में खेत को काट करके घर लेके गया हो, उसी को कहते हैं न्यू मॉर्न मीट। मीट मतलब मैडो। तो उसी में क्या होता है, एक आवाज़ जो सुनाई देता है छटक छटक करके, और वो किसकी आवाज़ है, दैट इज द ग्रासोफर। किसकी आवाज़ है वो, ग्रासोफर। ग्रासोफर मीन्स क्या बताया मैंने, टिड्डी। तो टिड्डी क्या, वो क्या है, किसकी आवाज़ है, टिड्डी की आवाज़ है। ही टेक्स द लीड, ही टेक्स द लीड मतलब जब बर्ड सब थक जाते हैं सिंगिंग करते करते तो उस वक्त ग्रासोफर आता है। अब वो ग्रासोफर म्यूजिक ऑफ आर्ट को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। इन समर लग्जरी, समर लग्जरी मतलब क्योंकि सबसे समर लग्जरी में, क्योंकि बर्ड सब जो थक जाते हैं लेकिन समर में ग्रासोफर क्या करता है, बहुत ही इंजॉय करता है, ऐश वैसत करता है, खुशी मनाता है। तो लग्जरी मतलब होता है ऐशो इशरत, खुशी मनाना, इन्जॉय करना। तो सबसे ज़्यादा समर सीजन जो होता है ग्रासोफर के लिए बहुत ही इन्जॉय होता है, बहुत ही खुशी का सीजन है जिसके लिए, तो इसलिए वो क्या करता है समर सीजन में वो म्यूजिक ऑफ अर्थ को कंटिन्यू रखता है। ही हैज़ नेवर डन विथ हीज डिलाइट्स, और वो क्या करता है अपनी खुशी को जो है कभी भी ख़त्म होने नहीं देता है, जारी रखता है। फॉर वैन टाइड आउट विथ फन, कब तक जारी रखता है, जब तक वो थकता नहीं है, अपने इंजॉय करते करते खुशी मनाते वो जब तक थकता नहीं है तब तक वो जो है खुशी को कभी भी रोकता नहीं है, जारी रखता है।
ही रेस एट ईज बीनिथ सम प्लेजेंट फीट। अब क्या करता है, जब वो ग्रासोफर वो भी थक जाता है बर्ड्स की तरह, तो वो क्या करता है, ही रेस एट ईज, ईज मतलब इजीली, तो वो भी क्या करता है, रेस करने लगता है। कहाँ पर, बीनिथ माने नीचे, सम प्लेजेंट फील्ड, फील्ड मीन्स क्या होता है, घास, तो घास कुछ खुशगवार हरी भरी घास के नीचे जो है वो आराम करने लगता है, कौन, टिड्डी। तो ये हो गया, ये हम क्या समझे यहाँ पर, कि इसमें क्या बताया कि बर्ड्स किस तरह से कंटिन्यू रखता है, जब बर्ड सब थक जाते हैं तो उसके बाद कौन बीजू को बर्ड को कंटिन्यू रखता है, ग्रासोफर। तो ग्रासोफर जब थक जाता है तो वो उस वक्त तो म्यूजिक ऑफ अर्थ बंद हो जाता है, म्यूजिक ऑफ अर्थ स्टॉप हो जाता है, उस वक्त भी स्टॉप नहीं होता, क्यों नहीं होता है? अब हम लोग देखेंगे सस्टेन में। तो ये समर सीजन में तो वो भी जारी रखता है कि बर्ड सब जब जारी नहीं रख पाता है म्यूजिक ऑफ अर्थ को, ग्रासोफर करता है। तो ग्रासोफर जब समर सीजन में जारी नहीं रख पाता है तो उसके बाद क्या होता है वो आप देखेंगे हम सस्टेन में। तो चलिए, The body of earth is seizing neighbor। तो ऊपर लाइन में क्या पढ़े थे हम लोग, The body of earth is neighbor dead। तो उसी को दूसरे सेकल में यहाँ पर बयान किया है, The body of earth is seizing neighbor। जमीन की जो गीत है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, सीज नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। फिर ये इसलिए बताया है कि इसका मतलब पूरे सीजन में, अलग अलग से साल में अलग अलग जो सीजन आते हैं सब सीजन में जारी रहता है, ये इसलिए जोर दे के कहा है। अब विंटर सीजन में यहाँ पर दो सीजन के बारे में बताया कि समर सीजन में किस तरह से कंटिन्यू रहता है, अब विंटर सीजन में किस तरह से रहता है, देखिए, ऑन ए लॉन विंटर, लॉन विंटर मतलब लॉन विंटर इवनिंग, विंटर इवनिंग। तो क्या होता है कि जब जाड़े का सीजन होता है तो बिल्कुल चारों तरफ खामोश रखता है, जब शाम हो जाती है तो लोग अपने घर पर रहना शुरू करते हैं, अब बिल्कुल बाहर जो है खामोश हो जाता है, तो इसलिए बोला है विंटर को ए लॉन विंटर इवनिंग। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट ए साइलेंस, रॉट मीन्स यहाँ पर दिया है मेड, मतलब ये अब क्यों साइलेंट हो जाता है, क्योंकि जब कुहासा होता है, कुहासा हर तरफ छा जाने की वजह से वो एक तरह की खामोशी छा जाती है चारों तरफ आसपास, तो उस वक्त क्या होता है, अब उस वक्त क्या म्यूजिक ऑफ अर्थ सीज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, फ्रॉम द स्टॉप देयर श्रील्स, फ्रॉम द स्टॉप मतलब चूल्हा जिसको कहते हैं हम लोग, जहाँ खाना पाती थी, स्टॉप मीन्स ये डिवाइस फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, मैंने एक मैसेज जैसे चूल्हा हम लोग मान लेते हैं, तो उस चूल्हा में क्या होता है, वहाँ पर एक आवाज़ बारीक और तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, बारीक और तेज़ आवाज़, बारीक में मतलब कहते हैं महीन आवाज़, वो सुनाई देता है। अब वो किसकी आवाज़ है, द क्रिकेट सॉन्ग, अब वो किसकी सॉन्ग है, किसका वॉइस है, किसकी वॉइस है, वो क्रिकेट्स, क्रिकेट मतलब ये क्रिकेट खेल रही है, ये क्रिकेट क्या है, एक इंसेक्ट है, जैसे ग्रासोफर है उसी तरह से क्रिकेट है, तो क्रिकेट उर्दू में कहते हैं उसको झिंगर, झिंगर कहते हैं, ठीक है। तो द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग नेबर, तो उस वक्त क्या कहता है, लोग बिल्कुल खामोश हो जाता है, मायूस हो जाता है, भद्दा हो जाता है, तो उस वक्त ये क्रिकेट की जो साउंड है वो क्या करता है, लोगों को जोश में दिला देता है, लोगों को उजागर कर देता है, लोगों को थोड़ा मतलब एक्टिव कर देता है, ठीक है। एंड सीम टू वन इंड्रोजिनस हैव लॉस्ट, अब यहाँ पर एक इमेजिनेशन करना होगा कि यहाँ पर एक आदमी है जो जाड़े के सीजन में शाम को बिल्कुल क्या होता है, आधे नींद में चला जाता है, बिल्कुल मायूस हो जाता है, लगभग हैव लॉस्ट मतलब होता है बिल्कुल नींद, आधी नींद की शक्ल में हो जाता है, तो उसको क्या पता चलता है, द ग्रासोफर्स एमंग सम ग्रासी हिल, तो क्रिकेट्स की जो साउंड है, वॉयस है, वो उसको क्या लगता है, क्या पता चलता है कि वो एक ग्रासोफर्स की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है, पहाड़ों में, घास वाले पहाड़ों में ग्रासोफर की आवाज़ है। तो ये देखिए, यहाँ पर कोई भी गीत गाए तो, मतलब कोई भी गास, कोई भी नेचुरल चीज़, तो वो हमेशा कंटिन्यू रहता है, इसमें यही बताया है, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हम लोग ऊपर हम लोग देखिए ग्रासोफर, तो ग्रासोफर का जो है
यहाँ पर ग्रासोफर, ग्रासोफर का जी कैपिटल क्यों दिया है? क्योंकि ग्रासोफर को यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिया गया है। ग्रासोफर हैज़ बिन गिवन ए इम्पोर्टेंट, तो इसलिए देखिए ग्रासोफर का जी कैपिटल है, मतलब यहाँ पर ग्रासोफर को इम्पोर्टेंट दिया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी उसको दिया जाता है। किसको? ग्रासोफर। क्या जिम्मेदारी? ही टेक्स द लीड, मतलब वो म्यूजिक ऑफ अर्थ को कंटिन्यू रखता है। इसलिए अब यहाँ पर भी वो समर सीजन में कंटिन्यू रखता है। अब क्रिकेट जो है, क्रिकेट का सी कैपिटल है, तो यहाँ पर भी क्रिकेट जो इंसेक्ट है उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि वो विंटर सीजन में म्यूजिक ऑफ अर्थ को कंटिन्यू रखता है। तो ठीक है, अब मैंने जो बताया कि पॉइंट्स के बारे में, पॉइंट के बारे में डिटेल्स में थोड़ा कई बात बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए ये पॉइंट ऑफ अर्थ, ये जो पॉइंट का लिखने का मकसद है, क्या मकसद है कि यहाँ पर ये भी बताया कि बहुत ये पॉइंट ऑफ अर्थ जो है जॉन किट्स के लाइफ में जो है बहुत सारी परेशानी, बहुत प्रॉब्लम आए थे, क्योंकि उसके फादर जो है वो बहुत ही घोड़े के स्टेबल में काम करते थे, तो वहाँ पर काम करते थे जो है ये जो है उसको बहुत ही छोटा समझे जाते थे। तो उसके बाद फिर जॉन किट्स जो है, जॉन किट्स क्या हुए, जॉन किट्स एक सर्जन थे, तो सर्जन जो है उसको जो वो काम अच्छा नहीं लगा, वो छोड़ने के बाद फिर वो कहाँ चले गए, वो राइटर मैंने पॉइंट बनने के लिए पीछे जो है लग गए, बहुत ही मेहनत किया, उसके बाद बहुत ही रोमांटिक पॉइंट बन गया। तो देखिए उसकी मौत बहुत कम उम्र में, अब हम लोग यहाँ पर जोड़ के देख सकते हैं, बहुत ही कम उम्र में उसकी मौत हो गई। तो जो है उसकी जो है उनके खानदानी एक बीमारी थी, क्या? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। तो टीबी की वजह से जो है ये पॉइंट जॉन किट्स की मौत हो गई, उसके बाद उसके भाई का भी मौत हो गया, उसको भी टीबी की वजह से मौत हो गया। तो इसकी वजह, इतनी सारी परेशानियों के बाद भी हो गया है, वो अपने जो मकसद है उसको फॉलो किया, उसको वो ढूंढा कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो जो है उसमें बहुत ही मेहनत की, उसके बाद वो रोमांटिक पॉइंट बन गया। तो देखिए और वो जो है, तो देखिए उसकी कम उम्र में बहुत सारे उनकी फैमिली जो है पूरी तरह से जो है दबाव और बाद हो गई, तब भी जो है वो अपने मकसद में कामयाब साबित कदम दे रहे। तो इसीलिए इस पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है, जो हम इसी तरह से म्यूजिक ऑफ अर्थ जो है ये मोटिव बनाया है कि वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आता है, सीजन का प्रॉब्लम आता है, किसी तरह की प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम को फेस करने के बाद जो है वो म्यूजिक ऑफ अर्थ जो है हमेशा कंटिन्यू है। सेम लाइफ का भी वही प्रॉब्लम है, तो लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग उसको फेस करके जो आगे बढ़ना होगा, तो इसमें ये मैसेज दिया है। तो ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को, ये जो है संगीत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर भी ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों तक पहुँच रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ ब्यूटीफुल डे।